फर्स्ट ईयर में से चैप्टर नंबर 7 ग्लास क्लोरीमीटर को स्टडी करना है। क्लोरीमीटर जो है ये दो किस्म के होते हैं, ग्लास क्लोरीमीटर और बम क्लोरीमीटर। आज हम ग्लास क्लोरीमीटर को स्टडी कर रहे हैं। ये सिंपल सा क्लोरीमीटर होता है, सादा सा क्लोरीमीटर होता है। ये तकरीबन हर लैब में मौजूद है, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, वहां इजीली अवेलेबल होता है। इट इज यूज्ड टू मेजर वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। डेल्टा एच कहते हैं एंथैल्पी चेंज, और एंथैल्पी आप पहले पढ़ चुके हैं, टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम को एंथैल्पी कहा जाता है। तो क्लोरीमीटर के जरिए डेल्टा एच की वैल्यू को मेजर करते हैं। तो ये जो ग्लास क्लोरीमीटर है, इट कंसिस्ट ऑफ, यानी ये दरमियान वाला जो है ये इंसुलेटेड कंटेनर है। ये दरमियान में आपको बीकर का नजर आ रहा है, ये क्या है, इंसुलेटेड कंटेनर है। ये आमतौर पर कापर का बना होता है, कापर का बना होता है, और इसको उठाकर वुडन बॉक्स के अंदर, लकड़ी के बॉक्स में फिट किया जाएगा। ये लकड़ी का बॉक्स है, इसमें उठाकर फिट कर देगा। दरमियान जो खला है उसको भर देंगे, कैसे, कॉटन से या फोम से या पॉलीस्टायरीन को चिपका दिया जाएगा, ताकि अच्छी तरह से क्या हो जाए, इंसुलेटेड हो जाए, ना हीट सिस्टम से बाहर जा सके ना बाहर से सिस्टम के अंदर आ सके। इसके ऊपर ढकना पड़ा हुआ है, जिसमें दो सुराख हैं, एक सुराख में से थर्मामीटर पास किया जाएगा और दूसरे सुराख में से स्टीलर गुजारेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसमें हमने पानी डालना है, पानी डालकर पानी का इनिशियल टेम्परेचर नोट करना है। टेम्परेचर किससे नोट किया जाएगा, थर्मामीटर के जरिए। तो पहले इसमें पानी डाला जाएगा, अब इसमें थर्मामीटर पास किया जाएगा, इसका बल्ब जो है पानी में डूब जाए, जब इसको डिप करेंगे पानी तो क्या होगा, मरकरी ऊपर उठती है। हमने हर 30 सेकंड के वक्फे से 50 सेकंड के वक्फे से टेम्परेचर नोट करते रहना है, तो क्या देखोगे, टेम्परेचर ऐसा क्या है, बढ़ता जा रहा है। जहां जाकर टेम्परेचर स्टेडी यानी कि रुक जाएगा, सपोज ये 40 पर जाकर रुक गया है, तो 40 का होगा पानी का इनिशियल टेम्परेचर है। ये नोट कर लेगा, पानी का इनिशियल टेम्परेचर आ चुका है T1, फर्स्ट किया कितना है 40 सेंटीग्रेड। अब क्या करेंगे, अब हमने पानी के अंदर रिएक्टेंट को डालना है, एक स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट, स्टोइकोमेट्रिक मीन मोल के हिसाब से कोई रिएक्टेंट होगा, वो हमने वजन करके इसमें जो इलेक्ट्रॉन को डाला जाएगा, रिएक्शन स्टार्ट होगा। रिएक्शन होती या हीट इवॉल्व होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। जो ही हमने पानी के अंदर, पानी को सिस्टम कहेंगे, इसमें रिएक्टेंट डालेंगे, तो हीट या तो इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी। अगर इवॉल्व होगी तो सिस्टम जो है वार्म हो जाएगा, पानी गर्म होता जाएगा, और अगर एब्जॉर्ब होगी तो सिस्टम का टेम्परेचर गिरता जाएगा। तो इसमें कोई रिएक्टर डाल दें, फर्ज किया हम इसमें डाल रहे हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, वजन करके डालेंगे, सपोज 2 ग्राम 3 ग्राम आपकी मर्जी है, सोडियम कार्बोनेट को वजन करके इसमें डालेंगे। क्या करेंगे, ढकना उठाएंगे और सोडियम कार्बोनेट को वजन करके इसमें डाल दिया जाएगा, फौरन ढकना। फिर क्या करेंगे, स्टीलर से हिलाएंगे, जो हिलाया जाएगा पानी और सोडियम कार्बोनेट का आपस में रिएक्शन हो जाएगा, यानी आपस में रिएक्शन होगा, पानी सोडियम कार्बोनेट वाटर है, क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ कार्बोनिक एसिड, और हीट इवॉल्व होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो ही सोडियम कार्बोनेट को वजन कर डालेंगे, सिर से हिलाएंगे, एकदम रिएक्शन होगा और हीट इवॉल्व होगी।
जैसे क्या होगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, टेम्परेचर नोट करते रहेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते पहले वाले टेम्परेचर से अबाव जाकर रुक जाएगा। सपोज 42 पर जाकर रुका है, इसको T2 कहा जाएगा। तो 42 क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर है। T1 इनिशियल टेम्परेचर और T2 फाइनल टेम्परेचर। अब क्या करना है हमने, इन दोनों टेम्परेचर का यानी फर्क निकालना है, डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। कैसे निकाला जाएगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सपोज ये 42 है और ये 40 है, डिफरेंस कितना आ जाएगा, फर्ज किया 2 सेंटीग्रेड, ये हमने निकाला है। अब हमें फार्मूला अप्लाई करना है, Q = C ज़रब डेल्टा टी। हमने क्यू निकालना है, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब, क्यू निकालना है। सी यहां पर क्या होता है, हीट कैपेसिटी कहते हैं, और ये इक्वल टू है एम ज़रब एस के, सी से मतलब हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 केल्विन, हीट कैपेसिटी इक्वल टू है एम ज़रब। तो क्या करेंगे, सी की जगह एम ज़रब एस लिखा जाएगा, क्यू इक्वल टू एम ज़रब एस ज़रब डेल्टा टी। बाकी कीमत नोट करेंगे, एम से बराबर सॉल्यूट का मास है 2 ग्राम 3 ग्राम, जितना डालोगे उसको वहां लिखा है। एस ये स्पेसिफिक हीट होती है, पानी की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, 4.2 जौल पर केल्विन पर ग्राम। तो ये 4 इशारे लिखेंगे, डेल्टा टी हम निकाल चुके हैं, कीमत पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आएगा वो क्यू है, और क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, एंथैल्पी कहा जाता है, जिसे डेल्टा एच कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, डेल्टा एच। ये हमने क्यू की वैल्यू निकाली। Thank you.